बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो एक्सप्रेस टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझको इनवाइट किया, एंड आफ्टर दैट थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का खास खास कर्म है मुझ पे जो मैं इस प्राइज को विन कर पाया और इस ओहदे तक पहुंच सका। और उसके बाद अगर मैं किसी को अपने ये सक्सेस डेडिकेट करूं तो आई वुड लाइक टू से माय पेरेंट्स, मेरे अम्मी और मेरे अब्बू जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो सारी डेडिकेशन उनको जाती है। और विद दिस आई विल आल्सो लाइक टू इंक्लूड डॉक्टर इकराम जो कि मेरे बीएस के सुपरवाइजर भी रहे हैं, मेंटर भी रहे हैं और मेरे लिए एक बिल्डर का रोल प्ले किया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देखें आप, बड़ा ही अच्छा मुझे लगता है जब भी कोई शख्स खुद कुछ अचीव करता है और फिर उसका क्रेडिट उन शख्सियात को देता है जिनका उनके करियर में रोल होता है। और हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं वालिदैन के अलावा जिनका एक रोल होता है। वैसे अपनी इस अचीवमेंट के हवाले से खास तौर पे बताइए, कैसे आपको ये अचीवमेंट का मुस्तहिक ठहराया गया? आपने ऐसा क्या कारनामा किया? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था आपका जो आपने प्रेजेंट किया जिसके बाद आप इस टॉप 10 में जगह बना पाए एंड यू आर द यंगेस्ट साइंटिस्ट इन यूरोप? अच्छा, इसका जो स्टार्ट था वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट हुआ। जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की जिसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, तो शुरू से ही कोई रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो विद द कंटीन्यूअस टाइम आई हैव स्टार्ट टू लर्निंग के इस रिसर्च को कैसे आगे फॉरवर्ड लेके जाया जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग्स हैव बीन कंबाइंड। और जो ये अवार्ड से अगर बात करें तो ये विद कंपैरिजन टू रिसर्च आर्टिकल और उनका इम्पैक्ट फैक्टर है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? वो है स्कोप ऑफ योर आर्टिकल। आपका आर्टिकल कितनी नोवेलिटी रखता है ये उस पर डिपेंड करता है, उसके इम्पैक्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी साइटेशंस पे डिपेंड करता है और उसका जो हमारी साई हब है या वेब ऑफ साइंस है या क्लैरिटी ऑफ एनालिसिस है उसके बेस पे डिपेंड करता है कि वो कितना नॉवल है और कितना उसका स्कोप है कि इंडस्ट्रीज तक वो लिंक करता है। अभी इस वक्त अगर हम अपनी नोवेलिटी की बात करें तो हम जो काम कर रहे हैं, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। जो नैनो मटेरियल्स है उनको ऐसे यूज किया जाता है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उनके लिए उनको यूटिलाइज किया जाए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हमारी जो विजिबल लाइट है उसके जरिए हम उनको अकोमोडेट करते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वो उसको फायदेमंद साबित हो। और दूसरी बात, अगर हम इस रैंकिंग की बात करें तो ये डिपेंड करता था कि आपकी कितनी साइटेशंस हैं और आपके कितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं। अब नंबर ऑफ पेपर्स विद साइटेशन ये एक पूरी एक गेम है। जो इस गेम में अपने आप को बेहतर साबित कर लेता है वो ही आगे आता है। और 2022 में मैं 23 पोजीशन पे था इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोरदबा और 2023 में आई ऑलरेडी जंप टू 10 पोजीशन। अच्छा अवैस, अभी आपने जिस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की इसका ऑब्वियसली यूरोप के अंदर तो बहुत स्कोप है और ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके हवाले से इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा। हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट जिस तरह से आपने वर्किंग की है या रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान में कितनी हेल्पफुल हो सकती है इन मसाइल को लेकर? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली पॉल्यूशन जो है वो बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान में। हमारी जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी, अब मैं खुद फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूं तो मुझे पता है कि जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है वो हमारी इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रही है। द प्रॉब्लम इज दिस के हमें उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर लिया नहीं जाता, उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हमको वो एक लाए अमल अगर हम तैयार कर भी लें तो उसको आगे से इंडस्ट्री या कोई भी अकोमोडेट नहीं करता। दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए डेफिनेटली, और उसके बाद रिसर्चर्स की सैलरीज एंड एवरीथिंग और इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। तो रिसोर्सेज की कमी है और पाकिस्तान में डेफिनेटली टैलेंट की कोई कमी नहीं। मैं अगर अपने आप को उस लिस्ट में शामिल करूं तो मैं शायद बहुत ही कम नंबर पे आऊं। पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा भी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो शायद मुझसे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है, उनको उस चीज की कमी है जिनकी उनको चाह है। अच्छा, रिसर्च की वैस, जो आपने रिसर्च का जिक्र किया, एक तो हमारी इवन इंस्टीट्यूट भी रिसर्च मेथडोलॉजी जो अपनाई जाती है, आप उसे किस हद तक मुतमईन हैं? जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं टू कंडक्ट रिसर्च,
क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो फिर हाइपोथेसिस आप बिल्ड करते हैं, जो रिजल्ट आप निकालते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया। तो आप उससे मुतमईन हैं द काइंड ऑफ रिसर्चेस बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर, कि आपको लगता है कि नहीं, हम बैन अलावामी स्टैंडर्ड्स लैक करते हैं, वी नीड टू इम्प्रूव इट? बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट तो ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट है, लेकिन एक अच्छा रिसर्चर वही होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को मनवाता है।